हुकूमत बेईमानी कर रही है और हुकूमत की सरपरस्ती में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी तंजीमें देश में उत्पात मचाने का काम कर रही हैं। जिस तरह बुलडोज़र चलाए जा रहे बिना नोटिस दिए रातों रात मज़ारात और मदरसे और मस्जिद मुनहदिम कर दी जाती है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हल्द्वानी में भड़की हिंसा और उसके बाद पुलिस कर्मियों एवं प्रशासन की टीम को घेर कर जलाने के प्रयास के बाद से माहौल गर्माया हुआ है। उत्तराखंड पहले से यह अलर्ट पर है, वहीं हल्द्वानी में भड़की हिंसा की आंच पड़ोसी प्रदेश यूपी तक भी पहुंच चुकी। बरेली जिले के मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद बरेली प्रशासन में हड़कंप मच गया है और फौरन ही सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाने लगे। मस्जिदों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चौकस की गई। बरेली के इस्लामिया मैदान में 6 एसपी और 12 सीओ की तैनाती की गई, 50 इंस्पेक्टर और 150 दरोगा की भी तैनाती की गई। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए 4 कंपनी पीएससी और 1 कंपनी आरएएफ की तैनाती बरेली पुलिस प्रशासन ने की है। मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद गिरफ्तारी का ऐलान किया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि हमसे बोलने का अधिकार छीना जा रहा है, जुल्म को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार की स्थिति हम नहीं देख सकते। जिस तरह हुकूमत के दबाव में कोर्ट फैसले करने पर मजबूर हो रहा है, जिस तरह बुलडोजर चलाए जा रहे बिना नोटिस दिए रातों रात मज़ारात और मदरसे और मस्जिद मुनहदिम कर दी जाती है, इन तमाम चीज़ों से कैसे नबर्दाज़मा हों। झूठा इल्ज़ाम लगाकर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लेना और बात है, झूठा इल्ज़ाम लगा देना और बात है, लेकिन उसको टेररिस्ट से जोड़ देना, एटीएस का की मदाखलत, इस किस्म की जो बेईमानियाँ हो रही हैं, इन तमाम बेईमानियों से एक बेचैनी का माहौल बना हुआ है पूरे देश में। सिर्फ मुसलमानों में नहीं, गैर मुस्लिमों में भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी बेचैनी है। तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए और खौफ व हिरास को दूर करने के लिए हमने जेल भरो आंदोलन कल बरेली से शुरू करने जा रहे हैं और इसे इंशाल्लाह देशव्यापी इस आंदोलन को बनाया जाएगा। समूचे शहर को हमने 2 जोन और 6 सेक्टर में बांटा गया है और लगभग 1000 पुलिस कर्मियों की तैनाती यहाँ पर की गई है। इसके अतिरिक्त 4 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी आरएफ की तैनाती यहाँ पर की गई है और जितनी भी जहाँ भी जुम्मे की नमाज होनी है सारी मस्जिदों पर काफ़ी अच्छे से पुलिस कर्मियों का व्यवस्थापन है और सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। पुलिस एवं प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की इस्लामिया ग्राउंड में आयोजन की या पैदल मार्च करते हुए इस्लामिया ग्राउंड में आकर गिरफ्तारी की, इस तरह के आयोजन की परमिशन नहीं मिली। बता दें कि मौलाना के बयान के बाद तौकीर रजा समेत 30 लोगों को रेड नोटिस जारी किया गया है। वहीं माहौल को देखते हुए दूसरे जिलों से 700 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, साथ ही रास्तों पर बैरिकेडिंग भी लगाई गई ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।